मित्रों विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने फर्स्ट ईयर के एनसीईआरटी किताब का चौथा चैप्टर एनिमल किंगडम शुरू करने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम, जैसा कि आपको पता है, एनिमल किंगडम जो है एक बहुत ही बड़ा एनिमल का सिस्टम है, जिसमें आपका पूरा पूरा अर्थ्रोपोडा जो है वो 80-90% जो है होल्ड करता है। इस सारे एनिमल किंगडम में तरह तरह के एनिमल्स हैं। दे हैव सम फंडामेंटल सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेज इन देयर स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। यानी हमारे पूरे जो एनिमल किंगडम हैं वो जो है डिफरेंट डिफरेंट की फॉर्म्स होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ उनके अंदर जो है फंडामेंटल सिमिलरिटी भी पाई जाती हैं, और वो सिमिलरिटी जो है वो हमको बताती हैं कि हमारे पास कितनी तरह के सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। और ये सिस्टम जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही सहायक होते हैं जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जब तक कि हम उसका एक निश्चित क्राइटेरिया सेट नहीं करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनिमल किंगडम में जो है किस प्रकार से जो है हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि आपके सामने दिए हुए हैं, वो हैं आपके सामने इजिकल टू 6। तो सबसे पहले ध्यान वाली बात यह है कि आपको ये 6 हेडिंग याद रखने कि ये है क्या है, एनिमल के क्लासिफिकेशन को हम किस किस क्राइटेरिया के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि तरह तरह के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन कुछ सिमिलरिटी भी पाई जाती हैं जो कि हमें मजबूर करते हैं कि हम कैसे क्लासिफिकेशन करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो आपको आता है वो आप याद रखने का तरीका देखिए, LSG और CSN। जैसा कि आप देख रहे हैं, L का मतलब है आपका लेबल, और S का मतलब सिमेट्री, और G का मतलब है आपका जर्म लेयर, और C का मतलब है सीलोम, और S का मतलब है सेगमेंट, और N का मतलब है नोटोकॉर्ड। अब ज़रा देखिए क्या करते क्या हैं हम लोग है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए जो है सबसे पहला क्राइटेरिया जो है हमारा जो है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारे पास जो है 4 तरह के लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको नीट के एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। कितनी तरह के? 4 तरह के। इसी तरह से जो है आपके सिमेट्री जो है वो हमारी किस तरह की है? 3 तरह की हो सकता है। हम एसिमेट्रिकल हो, रेडियल सिमेट्री हो, या हम बायलेटरल सिमेट्री हो। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एग्जांपल याद रखने हैं कि एसिमेट्रिकल कौन से हैं, और रेडियल सिमेट्री कौन है, और बायलेटरल सिमेट्री कौन है। जर्म लेयर हमेशा याद रखिए, कोई भी एम्ब्रियो जो जायगोट से बनता है वो बिना जर्म लेयर के टिश्यू ऑर्गन सिस्टम नहीं बना सकता है, और वो भी आपको याद रखना होगा। जर्म लेयर हमारे पास जो है केवल केवल 2 हैं, और वो है आपके सामने जो है डिप्लोब्लास्टिक या आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, या तो 2 जर्म लेयर होगी उसमें और या आपके 3 होगी। तो आपको याद रखना है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सीलोम जो होती है ये आपकी एक तरह कैविटी होती है, इसमें भी मैंने आपके सामने 3 रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें 3 टर्म आपको याद रखना है, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, ठीक है। एक सिलोमेट में आया जिसके सीलम होती ही नहीं है, और जिसमें फॉल्स होती है, और जिसमें ट्रू सीलम होती है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। सेगमेंटेशन जो है बॉडी का जो है वो रिपीटेड जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है, जो कि आपका यहाँ पर मैंने 3 लिखा हुआ है, एनिलिडा में होता है, आपका आर्थ्रोपोडा में होता है, और आपका कॉर्डेट होता है। तो नीट के लिए आपको 3 एग्जांपल रखने हैं आपको मेटामेरिज्म के लिए, आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट, ठीक है। इसके बाद जो है आखिरी वाला क्राइटेरिया जो है वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होती है एक सॉलिड रॉड होती है, अगर हमारी बॉडी में है तो हम उनको कहते हैं कॉर्डेटा, और अगर वो नहीं है तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। याद रखिएगा, नॉन कॉर्डेटा 99% एनिमल्स हैं, और 1% आपका जो है नोटोकॉर्ड वाले हैं, ओके। आइए चले आगे देखते हैं। अब हम पहला वाला जो क्राइटेरिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, जिसको कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे आपको सेट करना नीट के लिए, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए पहले आप देखें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें ये पता है कि ऑल एनिमल जो होते हैं ये मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी में टिश्यू हो, किसी में ऑर्गन हो, किसी में ऑर्गन सिस्टम हो, तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। हमारे सामने जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 4 तरह के होते हैं। लेट अस सी, देखिए, और ये जो एनिमल मल्टी सेलर है बट दे हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है सबका अलग अलग हो सकता है। ये आप क्या है पॉलीफेरा लीजिए, किसी के ग्रुप को लीजिए, उनका सबका अलग अलग सेट होता है। उसी के बेसिस पर जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला वाला जो है वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा आपका टिश्यू लेवल का है, तो याद रखना है सी और टी, और तीसरा आपका ऑर्गन लेवल का है, और चौथा आपका जो है ऑर्गन सिस्टम का है। सबसे सरल, सबसे प्रिमिटिव
टाइप का बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन वो है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, सेल जो होते हैं लूजली अरेंज होते हैं, कोई डेफिनेट उनका पैटर्न नहीं होता, कोई भी सेल जो है किसी दूसरे सेल में मॉडिफाई हो करके फंक्शन कर सकता है, यानी उनका एक डेफिनेट नहीं होता है। इस तरह का लूज एग्रीगेशन जो सेल जो होता है ये हमारा पाया जाता है पॉरीफेरा में। इसलिए याद रखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में पाया जाता है, नीट का सवाल है, वो है आपका पॉरीफेरा। इसकी जगह आप दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते, ठीक है। अब आ रहा है टिश्यू लेवल का, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। तो याद रखिए ऑरिजिन सेम होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और उनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए, तब उसको हम कहते हैं टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जिसमें पहली बार टिश्यू बनता है, टिश्यू को क्या कहें, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो कहाँ पाया जाता है, इसके लिए आपको याद रखना है वो आपका नीडेरिया में है और इसके साथ साथ आपको टीनोफेरा में, दो जगह है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है ऑर्गन लेवल। हो सकता है टिश्यू जो है अलग अलग करके मिल करके कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाए, लेकिन उसमें अलग अलग जो है फंक्शन ना हो पाए, इसलिए जो है इसमें केवल ऑर्गन ही बन पाता है। जैसे कि आप देखिए आपकी प्लेटी हेलमेंट में जो है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, उसमें एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसके द्वारा हम दोनों का काम करते हैं, माउथ भी है एनस का भी, तो इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहली बार ऑर्गन लेवल जो है बॉडी का वो हमारा प्लेटी हेलमेंट में शुरुआत हुई है, यानी जस्ट आफ्टर निडेरिया हम कहाँ पर आएंगे, प्लेटी हेलमेंट में, और वहाँ पर हम पाएंगे ऑर्गन लेवल। तो नीट के लिए बहुत ही याद रखिए ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म किस में पाया जाता है, योर आंसर इज प्लेटी हेलमेंट, ओके। अब आता है लास्ट, दिस इज द हाईली डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी जैसे आप हमारा देखिए डाइजेस्ट सिस्टम, देखिए आपको आपका माउथ है, फिर आपका ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज है, यानी हमारे एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो है परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के ऑर्गन के द्वारा, वो मिल करके जो है एक अलग पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, टू हैव ए डेफिनेट एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। याद रखिएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन मिल करके एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आइए देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि परफॉर्म स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं, और ये आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है एस हेलमेंथस से लेके कॉर्डेटा तक पाया जाता है। याद रखिएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम आपका कहाँ है, प्लेटी हेलमेंथस में है, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो एस हेलमेंथस से लेकर के कॉर्डेटा तक, यानी इंक्लूडिंग आपका एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइरोडर्मेटा है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, वो सारे के सारे जो हैं वो आपके आते हैं अंतर्गत किसके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और हमने आपको बताया है कि कैसे हम एनिमल के क्लासिफिकेशन बेसिस शुरू करते हैं, उसके हमने आपको 6 आइटम बताए, और आज हमने आपको पहला वाला बताया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपका 4 तरह का होता है आपका, यानी सेलुलर लेवल का, और आपका टिश्यू लेवल का, और आपका ऑर्गन लेवल का, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का। अगली बार हम आपसे अलग अलग क्राइटेरिया, सिमेट्री, जर्मिनेटी बात करेंगे। आज इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।